गुड मॉर्निंग हिल्स लाइव का प्रिय दर्शक, आप लोग को आज हम लोग ऐसे एक व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं। उन्होंने अभी अभी हम लोग का HED मिनिस्टर भी बना और गार्जियन मिनिस्टर बन गया। तो गार्जियन मतलब आप लोग मालूम है, और उन्होंने ये बेखूबी से हमारा ये थोड़ा दिन का अंदर में दो दफ़ा दौड़ा भी कर लिया और हम लोग का साथ बहुत टाइम दिया, उनका बिजी शेड्यूल में इतना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं आपको। धन्यवाद था हमारा तरफ से। अच्छा, हेल्थ लाइफ का सबके ये जी महोत्सव जी लगा सब आदमी के लिए हमारा तरफ से भी धन्यवाद देता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर ये पहाड़ के लगा है, ये प्यारे ये भाइयों बहनों सबको हमारा नमस्कार देता है। पहले ये रहा, आप लोग को देखिए कैसे विश किया, इससे पता चलता है जो ये हम लोग का जो मिनिस्टर बने हैं, हम लोग का जो गार्जियन बने हैं, हम लोग का लिए कितना काम करेगा, कितना आगे लेके जाने का कोशिश करेगा, और उनका सरकार को और हमारा यहाँ का लोकल जो सरकार है काउंसिल, इनका साथ में मिलजुल करके कैसे करके ये डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाए। कल उन्होंने एक प्रेस मीट में भी ये सुंदर से बोला कि ये डिस्ट्रिक्ट को सबसे आगे ले जाना है, तो ये बहुत बड़ा बात है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का आदमी का लिए। तो सर हम लोग पहले जानने को कोशिश करेंगे, ये जो आप मिला HED मिनिस्टर मिल गया, हिल्स एरिया डेवलपमेंट हो ये डिपार्टमेंट हो, तो आपको महसूस कैसा हुआ? हमको बहुत अच्छा लगा जब हमारा हिल्स एरिया डेवलपमेंट माइंड मिनरल वो डिपार्टमेंट दिया हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने। तो हम पहाड़ इलाका से हम लोग ये आने के जाने के लिए या लोग को टास्क करके या ये जीवन धारण का जो पद्धति है ना, ये कैसे चल रहा है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको ये सोचा हम जो ये हम दिस इज़ माय सेकंड विजिट। फर्स्ट एक बार विजिट करके आया, हमको कोविड पेंडेमिक का DC के साथ मीटिंग करके चला गया। दूसरा काल भी आया, ये जे काल आया कि हम यहाँ सर्किट हाउस में है हम, और काल DC और SP मेडिकल ऑफिसर्स इस काउंसिल का जो CM एंड MLA नंदिता जी सबको बैठा के एक मीटिंग किया। ये अच्छा लगा हम जे ये असम का सबसे पहला नज़र में है अभी, ये वो जो कोविड पेंडेमिक का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम में है। अच्छा। अभी 50% कंप्लीट किया है ये टारगेट का, जो एक 1,28,000 का टारगेट है हमारा एलिजिबल, यहाँ से 56,000 काल ड्रॉप हो गया। ये बहुत अच्छा खबर है, गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा और प्रायोरिटी बेसिस से ये काम करने के लिए जो NHM है, जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर भी बोला जो ऐसे अच्छा ये निमाहसा जिला का बहुत आगे बढ़ा है, ये ऑफिसर एंड लोकल पीपल्स एंड काउंसिल्स आर डूइंग वेरी वेल, जो इसीलिए हम भी ये जगह पर आके ऐसा मिला जो काम करने वाला आदमी को हम मिला यहाँ में, और हम सोचा आगे दिन सबको मिलजुल के सबको टीम डिमाहौसा मिल के जो काम करेगा, ये सबको ये अच्छा जिला बनेगा, डेवलपमेंट से सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सबको आगे बढ़ाने के लिए ये हम लोग प्रोग्राम बनाऊंगा, ये प्रोग्राम बना के सबको डिस्कशन करके ये चल जाएगा। लेकिन हम जो सोचा है जो पीस पहले पीस होना चाहिए, जो पीस आफ्टर पीस पीछे में डेवलपमेंट ये ले जाऊंगा हम लोग, ये सोचा हम आने जाने के लिए हम बहुत कुछ बात किया, कि वो DC के साथ भी बात करा, DC भी बहुत पॉजिटिव है, ये CM भी बहुत अच्छा है, MLA भी बहुत लगातार गांव में गली गली में जाके ये अवेयरनेस देता है, ये अच्छा लगा है हमारा। तो ये रहा, देखिए कितना खुश मुख हो के हम लोग का अच्छा जो चीज़ है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जितना भी अच्छा चीज़ है वो सब बता रहे हैं। तो आगे हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे। जब आप ये जो राजनीति ये पॉलिटिक्स में कितना कैसे आया और आना कैसे हुआ, पैसे आपको पहले के क्या थे? पहले हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, आसाम एग्जीक्यूटिव में भी हम तो पूरा जुड़ा चल रहा था, ये मैं एक कमेटी का लीडर भी था ये डिस्ट्रिक्ट का, आसाम एग्जीक्यूटिव अब जो एग्रीमेंट हुआ जनरल गवर्नमेंट से, बाद में नया गवर्नमेंट मिले SGP का गवर्नमेंट हुआ, काम भी किया हम, सोचा ये हमारा प्रॉब्लम असम का जितना सॉल्यूशन होने के था ये नहीं हुआ, तो फिर हम लोग
ये बहुत कुछ हिस्ट्री हो गया असम का। ये बाद में अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आया ये में थोड़ा डेवलप असम पीपल के लिए मौका मिला। जो चवर्ण सोनवाल का जो 5 साल चला गया, नरेंद्र मोदी जब आया 2014 में, ये आने के भी असम का रूप चेंज कर दिया। और अभी भी ये डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा का ये जो गतिशील है, ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व में असम को बहुत आगे ले जाएगा ये। लेकिन थोड़ा ये कोविड पेंडेमिक में हम लोग थोड़ा रुका गया, ये फाइनेंस का बहुत ये भी इधर इधर होता है। लेकिन ये बजट सेशन में भी कोई रिफ्लेक्ट होगा असम का इन फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अभी असम का भी पीछे से आगे ले जाएगा और बहुत डेवलप हो गया। अभी गांव गांव जुड़ने के बाद ये चेंज किसका हुआ, बीजेपी तरफ से देखे ही है। तो असम में इसे ऐसे 2000 में हम पॉलिटिक्स में धोखा दिया बीजेपी। पहले ये आरएसएस में था हम, पहले आरएसएस में भी 3 साल में काम किया, तब बीजेपी में आ गया। जे बीजेपी आ गए डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम चला गया, 2 टर्म्स हम डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भी का, 1 टर्म हम सेक्रेटरी भी किया था। बाद में 11 में भी हम कैंडिडेट था, लेकिन ये हवा नहीं था बीजेपी का, ऐसा तो थोड़ा वोट कम मिला, हरा नहीं थोड़ा कम मिला। 16 में जीता और लास्ट में हमको ये 1 साल के लिए हमको मिनिस्टर भी मिला था, स्टेट मिनिस्टर। हाँ, जो अगला टर्म का सिया हनर सोनवाल का टाइम, सी एम मिनिस्टर का टाइम में, ये हम जो रेवेन्यू मिला हम तो, वो जो आप लोग जो लोकल पीपल खिलौनजा बोल रहा है ना, वो लोग को हम पूरा पता देने के लिए हम कोशिश किया, लेकिन सक्सेस हुआ। प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी आया ये सेरेमोनियली इनोग्रेट करने के लिए शिवसागर में, हाँ आके पूरा 1,12,000, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट, पूरा अचीवमेंट होगा टोटल। ये हम ये जो हम लोग का स्लोगन था, अच्छा, ये जो जाति माति भेटी, जब पहले तो ये जमीन अपना हाथ में आना पड़ेगा, पीछे ये इसका जो मकान, हाँ तब पिछले जाति जो हम नेशन बोलता है समय जाति जो पूरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जाति को ये अस्तित्व हमारा इंचार्ज बहुत प्रॉब्लम भी हम थोड़ा है, ये हो जाएगा सेटलमेंट। और जो घुसपैठ यह का प्रॉब्लम है ना, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं, यहाँ में नहीं है हमारा बुरा, लोअर आसाम में भी ऐसा ज़्यादा है जो उसको प्रॉब्लम है हमारा, ये जो ये एक इशू है हमारा अभी। तो हम लोग सारा टीम मिल के ये चीफ मिनिस्टर साहब सब ये बीजेपी सब मिल के हम असम का भी प्रॉब्लम सोल्व होगा। ये दिमाग सा भी असम का ही है, ये भी ठीक कर दूंगा हम जितना कोशिश करना के है, गवर्नमेंट से कितना हेल्प करना है हम तो पूरा हेल्प करना पड़ेगा। ये काउंसिल को आगे बढ़ाना है, ये हम देखा वो रोड कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये स्टडी करना पड़ेगा ये टेक्निकली ये क्या इसे ऐसा हुआ। नहीं सर, एक इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आया, 1833 करोड़ सेंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया, एनएसआई सेल एनएसआई सेल नेशनल हाईवे ये सेंक्शन कर ले आमार नियम बांगलो जो टनल पार हो और कनेक्टिविटी तो ठीक हो जाएगा, ये यहाँ में जो इकोनॉमिक भी डेवलप हो जाएगा, ये वो जो जीवन धारण है वो लोग का दिमाग सब पब्लिक का ये भी अच्छा होगा। ये एजुकेशन सेक्टर में भी थोड़ा काम करना है, ये पावर ऐसा ऐसा थोड़ा है, पावर का प्रॉब्लम थोड़ा है, ये इसको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो जो माइंस मिनरल है ना, इस में भी काम करना पड़ेगा। हम देखें ना, आप थोड़ा नजर देना पड़ेगा। हम अभी हमारा डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठ के सब डिस्कशन किया अभी, अच्छा। एक बार ये और इसको बुलाया हम सीएम को एमएलए को, जो बुला के ये हमें क्या कैसे करने से ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये दिमाग को डेवलप करने के लिए। तो ये रहा थोड़ा सा हम लोग का डिस्कशन का एक भाग, और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से हम लोग मंत्री से बात करेंगे।
अभी छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग फिर से आए, फिर से हम लोग मंत्री से और आगे का बात करने को हम लोग मौका ले रहे हैं। तो हम लोग और भी जानने को कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने ये थोड़ा दिन का अंदर में दो दफ़ा टूर कर लिया, तो ये एक जिम्मेदारी आपको दिखाई दिया, और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ये भी थोड़ा हम लोग के लिए थोड़ा सा जैसे लगता है काफ़ी कम करेगा बोल के हम लोग का आदमी लोग भी सोचता है। तो हमारा एक काउंसिल भी है, तो काउंसिल का साथ सब मिलजुल के जुदी करेगा जरूर आगे बढ़ेगा। तो आपका विचार में कैसे रहा? यार यहाँ तो ये काम तो काउंसिल करेगा, हम लोग गवर्नमेंट से पीछे से खेलना पड़ेगा जी। इसका क्या क्या तरीका है, क्या लॉ अमेंडमेंट करना है, तो गवर्नमेंट से क्या अपोर्ट करना है, वो तो हम लोग का काम है जी। ये सबको इसको हेल्प करना है, इसको आगे बढ़ाने देना हमारा काम है। तो ऑटोनोमस काउंसिल को 6 जून में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 1995 में जो एग्रीमेंट हुआ, यहाँ 30 डिपार्टमेंट्स उसका अंडर में है, वो जो बाहर है यहाँ वो लोग हम ठीक कर दूँगा। ये गवर्नमेंट का जो ये प्रपोजल देगा ये लोग हम लोग प्रपोजल फटाफट जो गवर्नमेंट से अप्रूव करके हम लोग ये हमें देना पड़ेगा। इसे ऐसे काम हम लोग सोचा है, दो दिन आई एम गोइंग टू स्टडी जो यह क्या क्या है, ये प्रपोजल क्या क्या चाहिए, क्या क्या आगे बढ़ सके, क्या क्या इंडस्ट्री है, क्या अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम है जी, वो बात को देखना है। अनएम्प्लॉयड एक हम लोग का एक कंसर्न हो गया, क्योंकि कोविड का वजह से हम लोग का जितना भी बच्चा बाहर में काम करता रहा वो भी वापस आ गया, वहाँ से 50% भी वापस नहीं गया। तो ये हम लोग का एक जो डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम जो है अर्निंग्स, ये बहुत ही कम है यूथ के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ सोच विचार रखा कि नहीं, कैसे आप लोग उसको देखेंगे? ये टूरिज्म सेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाने जा पड़ेगा, एग्री सेक्टर एंड टूरिज्म ये दोनों में भी इसको लगाना पड़ेगा। ये लगा के ये इकोनॉमिक जो डेवलप है ये करने के लिए जो ऐसा कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री करने के लिए क्या क्या ये उसको हम लोग काउंसिल से बात करके वो लोग कितना ये क्या करने के लिए वो लोग रेडी है, या पीपल क्या सही है ये करने के लिए आगे बढ़ा जाए, या हुआ कौन टू स्पार्ट है टेक्निकली, तो ये मतलब मिल के डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेंगे और करेंगे। आप गवर्नमेंट से लेगा वो लोग नहीं करेगा, वो लोग सही, हम लोग दोनों मिल के सोल्यूशन आएगा, एमओ बनाएगा, तब तो ये एक गुड सोल्यूशन आएगा। ये देखेगा आप पीछे से आगे अब देखिए, और एक हम लोग का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये बिफोर एमओयू हम लोग का जो बजट था, हिल बजट, हिल एलोकेशन है, वो 60-40 होता था। कैसे होता था, 70-30 दिखाता था, लेकिन एक 10% कॉमन आउटले था। तो ये जब 95 में आ गया तो 95 से ये एबोलिश हो गया 10%, लेकिन अब देखिएगा ये 30% यहाँ पे और 70% यहाँ पे। हम नहीं बोलते वो तो बड़ा जगह चाहिए, लेकिन ये काफ़ी चीज़ है। जैसे 1 किलोमीटर रास्ता बनाने में यदि आपको यहाँ पे देखेंगे 30% में तो ये नहीं होगा, तो आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? ये रेवेन्यू का 30 अभी तो क्या स्टेट SOPD का स्कीम है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, ये तो 100% ऐसे स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड करेगा जी। SOPD में कोई ये 30-70 ऐसा नहीं है, जो SOP में पैसा बढ़ाना पड़ेगा स्टेट और जो स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग है, तो ये फंड तो बढ़ाना पड़ेगा, ये इंक्रीज करना पड़ेगा बजट एलोकेशन। मतलब हम लोग को पब्लिक को बोलना है कि ये 30-70 नहीं करके, मतलब नीड बेसिस करने से भी कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर रास्ता बनाने में जो खर्चा होगा प्लेन्स में नहीं होगा, कार्बी अंगलोंग हम वो नहीं बोल रहे हैं, बजट नहीं है उसका। हाँ, कार्बी अंगलोंग में जो है वो प्लेन्स है, दूसरा तरीके से सोचना पड़ेगा जी, वो बात एक है। और ये आपको देने को, और दूसरा बात है, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है फॉरेस्ट कवरेज सबसे ज्यादा है स्टेट में विथ 87%,
तो ये जो कवरेज है इसको मेंटेन करने के लिए आप लोग का कुछ ऐसे सोच विचार है कि नहीं, इसको मेंटेन करने लगता है उसको बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए एनकरेज करने के लिए यहाँ का डिपार्टमेंट या काउंसिल को आप लोग कैसे अवेयरनेस देना पड़ेगा, जो बढ़ाने के लिए स्कीम भी लेना पड़ेगा जी, स्कीम भी लेना पड़ेगा, स्कीम लेके उसको अवेयरनेस दे के उसको आगे बढ़ा गए, जो काउंसिल जो प्रपोजल आएगा काउंसिल से तरफ से पहले आना पड़ेगा ये प्रपोजल, तब तो हम लोग गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा जो बजट चाहिए जो क्या ट्रेनिंग चाहिए कोई एडिशनल ऑफिसर चाहिए है तो हम लोग प्रोवाइड करूँगा, लेकिन काउंसिल से डिसीजन लेके प्रपोजल हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। ये रहा हम लोग आप लोग सुन रहे हैं जो मंत्री साहब मतलब पूरा गवर्नमेंट, ये हम लोग सामना में जो है ये असम गवर्नमेंट है और आप लोग के पास बात बोल रहे हैं एकदम खुला दिल से, और भी हम लोग सुनने को कोशिश करेंगे। सर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है छोटा सा पॉपुलेशन है और टेराइन है बहुत स्पार्सली विलेज है टेराइन है, इस सब बीच में भी बहुत पीस अभी अब पीस एस्टैब्लिश हो गया आप सोच सकते हैं और डेवलपमेंट का काम भी आगे शुरू हो गया, मोमेंटम भी शुरू हो गया स्टार्टिंग है, तो इसी बीच में आप लोग और उसको आगे ले जाने के लिए ऑगमेंट करने के लिए आप क्या क्या नया सोचे, और हमारा जो दिमाहासाओं का बसिंदा है वह दिमाहासाओं का आम आदमी है उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिमाहासाओं का जो पब्लिक है ना ये बहुत प्यारे है, उस लोग का बहुत ये जो कौनमी है ये काम जो बोलता है वो लोग ये फूक ये जो थिंकिंग है ये बहुत पॉजिटिव है उसको, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट इसको पीछे चलना पड़ेगा, जैसे इसको बाई इकोनॉमिक हेल्थ बाई स्कीम प्रोवाइडिंग ऐसे ऐसे करके हम लोग को इसको ले जाना पड़ेगा ना, ये जो हम बोला ना जो एग्री सेक्टर ये किसी को लगाना पड़ेगा, कोई टूरिज्म सेक्टर में लगाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा के कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री भी यह हो सकता है, हम लोग देखा है जो बेम्बू है ये फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है या में मटेरियल से रॉ मटेरियल ज़्यादा है उसको, ये रोड कनेक्टिविटी ठीक होने के बाद ये कोई बाहर सा आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट को मल बुला के हाँ ये क्या पॉसिबिलिटी है ये को आगे बढ़ेगी, ऐसा करना ही पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी सोल्व होगा या इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगा रेवेन्यू भी कलेक्शन होगा, तो ऐसा ऐसा कोई मन में है, लेकिन देखूंगा आगे में कैसे ले जाना पड़ेगा, कैसे हम लोग को चीफ मिनिस्टर इज ए वेरी पॉजिटिव दिमाग को बहुत प्यार करता है, ऐसा देखा ये पहाड़ी इलाका है नेचुरल टूरिज्म भी है या हाँ या जो एक बार आने से वो जाने के लिए नहीं तो, लेकिन हम भी ऐसा था हम काम है आज हमारा 3 बजे में कैबिनेट भी है थोड़ा जाए हम थोड़ा दूर सर वैक्सीनेशन सेंटर देखना पड़ेगा, उसको प्यार आदमी लोग को पूरा नमस्कार देना है, हम तो हमसे आया है यहाँ में उसका दूर सर को बात करना पड़ेगा, ये मेडिकल टीम को ये जो पब्लिक को भी मिलेगा, ये हम फिर आऊँगा हम के जो गाँव गाँव में जाना पड़ेगा टूर एक बार गाँव के क्या पॉजिटिविटी है हम देखना पड़ेगा, उसको लेके प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दूंगा चीफ मिनिस्टर अभी डेफिनेटली अप्रूव। तो ये रहा हम लोग का मंत्री जी का भाषण, और मंत्री जी आप लोग का साथ जो वार्तालाप किया आप लोग देखेंगे आगे हम लोग कैसे काम होता है और मंत्री जी का जो प्रमिसेस है वह मंत्री जी का जो सोच विचार है हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी 2 साल को धन्यवाद।